घरों में पूजा पाठ के बाद हाथ पर लाल रंग का धागा बांधा जाता है। इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय होती है। कई लोग इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं, तो वहीं कई लोग इसे ऐसे ही बांधे रखते हैं। लेकिन ज्योतिषियों की माने तो लाल रंग का धागा बहुत ही शुभ होता है। इसे हाथ पर बांधने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। शास्त्रों में धागे को शुभ बताया गया है। कहा जाता है कि लाल रंग का धागा हाथ पर बंधे होने के कारण शनि देवता भी खुश होते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। शनिदेव के बारे में कहा गया है कि शनि देवता व्यक्ति को उसके कर्मों का फल जरूर देते हैं। जब किसी व्यक्ति पर साढ़े साथी चल रही होती है तो उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिलता है। ज्योतिषियों के अनुसार शनिवार को व्यक्ति को अपनी लंबाई की मौली खरीदकर आम के हरे पत्ते से लपेटना चाहिए। लपेटने के बाद इसे पानी में बहा देना चाहिए। पानी में बहाने से पहले मनोकामना को मन में याद करना ना भूलें। साथ ही जिन लोगों पर शनि की साढ़े साथी चल रही हो तो पीपल के पेड़ पर जलार्पण करें। जलार्पण करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बताया जाता है कि ऐसा करने से शनि देवता खुश होते हैं। पेड़ का तना छूकर उसे नमन करें और पीपल की सात परिक्रमा करें। ऐसा करने से जीवन से हर तरह की परेशानी खत्म होती है। ज्योतिषियों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की जॉब नहीं लग रही हो तो उसे शनिवार के दिन बिना नमक का खाना खाना चाहिए। शनिवार का व्रत करने से जीवन में सुख शांति आती है। शनिदेव के खुश होने से आर्थिक संपन्नता आती है। शनिवार का व्रत जीवन में कई परेशानियों को खत्म कर सकता है।